आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे चुनिंदा योग आसनों का अभ्यास जिसकी मदद से हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहेगा, फेफड़ों की कार्यक्षमता इम्प्रूव होगी, आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी होंगे, अस्थमा की समस्या, ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जी जैसी समस्याएं, सांस लेने में बड़ी परेशानी आती है, इन समस्याओं में ये योगासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग थोड़ा मेहनत वाला काम कर दें या सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ तो थोड़े देर में ही थक जाते हैं, उनकी सांसें कैसे बहुत ही ज़्यादा उखड़ी हुई सी हो जाती हैं, यानी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो इन अभ्यासों को करने से उसमें आपको बहुत लाभ मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, लंग्स की कार्यक्षमता के साथ साथ आपके हार्ट की भी हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी। पूरे के पूरे चेस्ट रीजन की जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी रिब केजेस हैं, ये खुलेंगी, खींचेंगी, जिससे कि सांस बहुत आसानी से आएगी, हार्ट की मसल्स भी खींचेंगी, आपके लंग्स की जो कार्यक्षमता है वो भी इंप्रूव होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे अभ्यास आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नीचे दिख रहा घंटी का निशान दबा लेंगे ना तो मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं किया करेंगे। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वहां भी जरूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब सीखते हैं उन योगासनों का अभ्यास जिससे हमारे लंग्स जो हैं और हेल्दी होंगे। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से टेबल टॉप पोजिशन पे आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन पे जब आप आएँ तो दोनों घुटनों के बीच में अपनी कमर जितना फासला रखें और दोनों हाथों के बीच में अपने कंधे जितना फासला रखें। इस तरीके से आपकी कुहनी, कलाई, कंधा एक लाइन में है, और फिर उसके बाद सांस लेते हुए इस तरीके से छत की तरफ देखें, आर्च करें अपने बैक को, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपनी नेवल रीजन की तरफ देखें। इस तरीके से ऐसे सांस लेते हुए अपनी छाती को पूरा ढीला छोड़ें ऐसे, और सांस छोड़ते हुए पुल योर नेवल रीजन इन ऐसा, सांस लेते हुए अपनी एब्डोमिनल मसल्स को पूरा ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, और सांस छोड़ते हुए अपनी नेवल रीजन को अंदर की तरफ पुल करें। ऐसा अभ्यास आप कम से कम 10-20 टाइम्स कर सकते हैं। ऐसा सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस को छोड़ दें, सांस लें और सांस को छोड़ दें। जब भी आप ब्रीदिंग करें थ्रू आउट द प्रैक्टिस, आप इनहलेशन और एक्सहलेशन अपने नाक से ही करें। मुंह का काम देखिए खाना खाने का होता है, सांस लेने का नहीं है। नाक का काम सांस लेने का है और रिस्पायरेशन आपका नाक से ही शुरू होता है। तो बहुत से लोग मुंह से सांस लेते और छोड़ते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप सांस लें और छोड़ें तो नाक से ही सांस लें और नाक से ही सांस छोड़ें। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। हर दिन मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, और इस 1 घंटे की क्लास में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन सीखते हैं जिससे आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। आपको एक बात बताऊं, मेरी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस चलती हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स को जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद नहीं आती थी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, नी पेन, बैक पेन जैसी समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड कंडीशन, ऐसी कंडीशन में भी जब वो निरंतर योग का अभ्यास करते हैं मेरी निगरानी में रह के तो उनको अमेजिंग बेनिफिट्स मिले हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से आप ये क्लासेस जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैंने अपने वेबसाइट पर कुछ कोर्सेस ऐसे बनाए हैं और उनको अपलोड किए हैं जिनको आप परचेस करने के बाद कभी भी किसी भी वक्त एक्सेस करके अपनी जो प्रैक्टिस है अपने घर के ही कंफर्ट जोन में शुरू कर सकते हैं। इन जो कोर्सेज हैं इनको बहुत बिगनर फ्रेंडली रखा गया है ताकि कोई भी इसका अभ्यास कर सके, और इन कोर्सेज में भी आपको हर दिन आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं ये जूम क्लासेस और कोर्सेज के बारे में और जानकारी, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com।
या कि फिर यहाँ पर मैंने जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। अभी तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए और बाद में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग। अपनी योगा मैट पर इस तरीके से अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने पैरों को अलग करें, अपने पैर के अंगूठे को बाहर की तरफ करें ऐसे, और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऐसे साइड में रखें इस तरीके से, और फिर उसके बाद धीरे 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 अपने हेड को अप करें, चेस्ट को अप करें और अपने एल्बो को सीधा कर दें। ये भुजंगासन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वमुख श्वानासन है। फिर क्या करें, अपने टो को टक करें ऐसे और अपने बॉडी को आगे की तरफ पुश करें ऐसे, और फिर टो को बाहर की तरफ करें। तो आपने देखा चेस्ट कैसे बाहर की तरफ आ गई, और गर्दन को पूरा खोलिए ऐसे, और नाइस एंड स्ट्रॉन्ग ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अगर आप अपने घुटने को ऐसे उठा सकते हैं तो उठाइए ऐसे, और पूरी स्पाइन को ऐसे आर्च कीजिए ऐसे। अगर घुटने को नहीं उठा सकते तो घुटने को मैट पर रहने दीजिए, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग पूरे स्पाइन को आर्च कीजिए, कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखिए और ब्रीथ करते रहिए। इससे आपके पूरे कान कंधे से दूर है, छाती खुल रही है, लंग्स और हार्ट कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद टेबल टॉप पोजीशन पे आए, अपनी एड़ी पर बैठे, अपने घुटनों को अलग करें, हेड ड्रॉप करके और रेस्ट करें ऐसा। तीसरे आसन का जो हम अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है अर्धचंद्र आसन। अर्धचंद्र आसन में आप क्या करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन पे ऐसे आएंगे और फिर उसके बाद अपने राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखेंगे और हिप को ऐसे आगे की तरफ ऐसे पुश करेंगे। आप जब राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें तो ध्यान रखें आपकी राइट एंकल, राइट नी ये एक लाइन में है ऐसा, ये ऐसे ना हो इस तरीके से, वरना क्या होगा कि आपके घुटने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, घुटने पर प्रेशर आएगा और आसन का अभ्यास अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो प्रॉपर आप अपने पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें, हिप को ऐसे आगे की तरफ ऐसे पुश करें, फिर उसके बाद अपने हिप को और आगे की तरफ ऐसे पुश करने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं और छाती को खोलते हुए आर्च योर बैक ऐसा, और ब्रीथ करते रहें 5 4 3 2 1, और फिर उसके बाद अपने हाथों को मैट पर ड्रॉप कर दें। जब एक साइड ये अभ्यास हो जाए तो दूसरी साइड इसका अभ्यास करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेफ्ट पैर को आप दोनों हाथों के बीच में लेके गए, हिप को आगे की तरफ ऐसे पुश किया और फिर उसके बाद आर्च योर बैक ऐसा 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद वापस से अपनी एड़ी पर बैठें, घुटनों को अलग करें और हेड को ड्रॉप कर दें ऐसा, रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। अब अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, अपने दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लें और आराम से अपने घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाएं ऐसे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें, शोल्डर्स को रोल बैक करें, हिप को आगे की तरफ पुश करें और गर्दन को पूरी ढीली छोड़ दें ऐसे। देख रहे हैं कैसे छाती खुल रही है, कैसे आपके लंग्स और हार्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं ऐसा 5 4 3 2 1, और वापस से अपने हील्स पर बैठें और फिर हेड को डाउन कर दें। बालासन में रेस्ट करें या शशांकासन में। जब अर्ध उष्ट्रासन हो जाए तो फिर उसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अर्ध उष्ट्रासन में भी आपको उतने ही बेनिफिट मिलेंगे। तो आराम से इस तरीके से अपने दोनों पैरों को अलग किया, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा, शोल्डर्स को रोल बैक किया, हिप को आगे की तरफ पुश किया और फिर उसके बाद एक हाथ से, राइट हाथ से राइट एड़ी और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर की एड़ी को पकड़ा, हिप को आगे की तरफ पुश किया, गर्दन को ढीली छोड़ दिया, फील योर हार्ट एंड लंग्स 5 4
3, 2, 1, रिलीज करें, वापस से हेड डाउन कर दें, रेस्ट करें। अब जब इतने आसनों का अभ्यास कर लिया है जिसमें हमने पूरी स्पाइन को आर्च किया है, अब हम अगला आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन से बहुत अच्छी स्पाइनल ट्विस्ट होगी और इससे हमारे चेस्ट जो है वो ओपन होगा एक एक साइड का। कैसे करेंगे? अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लेंगे, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और राइट फुट को लेफ्ट नी के पास ऐसे रखेंगे इस तरीके से। अब अपने राइट पैर को मोड़ा है ना, तो राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखें और राइट शोल्डर को ऐसे रोल बैक कर दें इस तरीके से, ताकि राइट साइड का पूरा चेस्ट खुल जाए। लेफ्ट पाम को राइट नी पर रखें, शोल्डर्स को रोल बैक करें और पूरा पीछे देखें ऐसा, और ब्रीद करते रहें 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब एक साइड ये अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को दूसरी साइड भी रिपीट करें ऐसा ऐसा। पीछे देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब आपका इतना अभ्यास हो जाए तो अगर आप थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो पिछला अभ्यास करें, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे, राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, आप चाहें तो राइट पैर को दूसरी तरफ भी रख सकते हैं और थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाने के लिए ऐसे इस तरीके से ट्विस्ट किया, एंकल को ग्रैब किया और पीछे देख रहे हैं ऐसा 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी साइड भी अभ्यास रिपीट करेंगे। तो अब अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ दिया और फिर उसके बाद ऐसे रखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लुक बैक, फिर उसके बाद रिलीज कर दें और फिर शवासन में लेट जाएं। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, फेफड़ों की अच्छी सेहत के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हर रोज जरूर करना चाहिए। पहले इसका अभ्यास मैं आपको स्लो बताऊंगी, तो कुछ दिनों तक इसका अभ्यास स्लो करें। कैसे? अगर बिगनर हैं तो हाथ को छत की तरफ उठाएं, सांस लें, पूरी सांस को छाती पर भरें और ध्यान को छाती पर रखें। सांस लें नाक से, मुंह को बंद रखें, फिर नाक से सांस को छोड़ दें। नाक से सांस लें और नाक से सांस को छोड़ें। अभी मैं आपको 10 बार इसका अभ्यास करके बता रही हूं। ऐसा तो इसका अभ्यास 10 बार आपने देखा कैसे स्लो अभ्यास करेंगे। जब कुछ दिनों तक आपका अभ्यास अच्छा हो जाए, आपकी पकड़ अच्छी मजबूत हो जाए और आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो थोड़ा सा स्पीड अप करके भी इसका अभ्यास करें। कैसे? और हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें और आंखों को बंद करके ध्यान को माथे पर रखें। तो लगातार इसका अभ्यास आप 30 सेकंड तक कुछ दिनों तक कर सकते हैं। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो 30 सेकंड से बढ़ाकर इसका अभ्यास आप लगातार 1 मिनट तक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसका अभ्यास रोकते हैं तो आपको महसूस होगा सर कितना ज़्यादा लाइट हो गया है, कितना ज़्यादा हल्का हो गया है। तो ज़रूर इसका अभ्यास भी आप अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करें। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इन योगासनों का अभ्यास सिखाया। अब इन योगासनों का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है जिससे आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी हों और सांसें आपकी बहुत अच्छी तरीके से गहरी आएं और जाएं। इन योगासनों को खुद तो कीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, जिनको भी आप जानते हैं, सबको व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो में बताए जाने वाले योगासन वो भी सीखें और उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले।
अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए ना कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसी लग रही है, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।